वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि घर में रखा कैलेंडर कैसे बन सकता है आपकी तरक्की में रुकावट। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी। अधिकतर लोग अपने बुरे समय में परेशान होकर कई तरह के बड़े बड़े उपाय करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिल पाता है। बहुत बार आप बड़े बड़े उपायों के बीच अपने घर के छोटे से वास्तु दोष को ही भूल जाते हैं, जिस कारण आप लगातार परेशान रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या है वह वास्तु दोष? आपको इसका जवाब जानकर हैरानी होगी, क्योंकि यह है कि आपके घर के किसी दीवार पर लगा या टेबल पर रखा कैलेंडर। कि दोस्तों, आप चौंक गए ना, घबराइए नहीं, क्योंकि आपके घर के एक कोने में टंगा यह छोटा सा कैलेंडर भी आपके अच्छे समय को बदलने का दम रखता है। वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अधिकतर लोग पुराने कैलेंडर की जगह नया कैलेंडर लगा लेते हैं, लेकिन पुराने कैलेंडर को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। जान लें कि यह पुराना कैलेंडर ही आपकी उन्नति के मौकों को कम कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कैलेंडर को रखने के कुछ वास्तु उपाय के बारे में। दोस्तों, कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने कैलेंडर ना लगाएं, क्योंकि दरवाजे से गुजरने वाले ऊर्जा प्रभावित होती है। यूं तो कैलेंडर लगाने से शायद ही कोई दिशा की तरफ ध्यान देता है, जबकि कैलेंडर हमेशा उत्तर पश्चिम या फिर पूर्व की दीवार पर ही लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि कैलेंडर में फोटो किसी हिंसक जानवर की ना हो और ना ही किसी उदास चेहरे की। कहते हैं कि इससे भी नकारात्मकता हावी हो जाती है। बता दें कि अगर आप पूर्व दिशा की ओर कैलेंडर लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में उन्नति होगी। कैलेंडर पर उगते सूरज की तस्वीर हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं अगर उत्तर दिशा में वही कैलेंडर लगाएं तो उस पर हरियाली, नदी, समुद्र, विवाह आदि की तस्वीर हो। इस दिशा में लगने वाले कैलेंडर पर हरा व सफेद रंग अधिक होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार पश्चिम दिशा को बहाव की दिशा माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं अगर आपके घर में अगर कोई पुराना कैलेंडर है तो आप उसे जल्दी से बाहर निकाल देंगे और कैलेंडर को वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही लगाएंगे, और फिर आप देखिएगा चमत्कार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।